टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 184। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू ईवे बिल रूल्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन 7 मार्च 2018। अभी तक हमने अपनी जीएसटी न्यूज़ में डिस्कस किए हैं रूल 138 सब रूल 1 टू रूल 138 सब रूल 4 इन जीएसटी न्यूज़ पार्ट 182, रूल 138 सब रूल 5 टू रूल 138 सब रूल 14A इन जीएसटी न्यूज़ पार्ट 183। अब हम इस जीएसटी न्यूज़ में रूल 138 सब रूल 14 क्लोज बी से आगे डिस्कस करेंगे। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज बी ये कहता है कि यदि गुड्स को नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस केस में ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम रूल 138 के इस पार्ट को पुराने पार्ट से कंपेयर करते हैं ओल्ड रूल से तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किए गए हैं। यदि हम नए रूल 138 सब रूल 14 क्लोज सी को देखते हैं तो वह यह कहता है कि यदि कस्टम की क्लियरेंस के लिए गुड्स को कस्टम पोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से किसी इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो भी आपको ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसे पुराने रूल से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो वर्ड कस्टम है वो नए रूल में डाला गया है, पुराने रूल में ये वर्ड नहीं था, यहाँ सिर्फ पोर्ट लिखा गया था, अब यहाँ पे कस्टम पोर्ट को डाला गया है। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज डी ये कहता है कि यदि गुड्स को उस एरिया के अंदर मूव किया जाता है जो कि किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जीएसटी रूल्स के रूल 138 सब रूल 14 क्लोज डी के अंदर मेंशन किया गया है तो उस केस में ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस क्लोज को पुराने रूल से कंपेयर करें तो वहाँ पे ये जो वर्ड ग्रीन में दिए गए हैं इनके बजाय वहाँ पे लिखा गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी नहीं लिखा गया था और यह भी नहीं लिखा गया था कि इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इस प्रकार यहाँ पे थोड़े से चेंजेस सरकार ने किए हैं रूल 138 सब रूल 14 क्लोज डी में। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज ई यह कहता है कि यदि गुड्स को शेड्यूल टू नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में मेंशन किया गया है तो आपको उन गुड्स के लिए ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है अदर देन डी ऑयल्ड केक, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट है ये एग्जम्प्ट गुड से डील करता है। यदि गुड जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट की गई हैं तो आपको उनके लिए ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है अदर देन डी ऑयल्ड केक। यदि हम इस पार्ट को पुराने रूल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किए गए हैं। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज एफ यह कहता है कि यदि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है वह अल्कोहल लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या फिर पेट्रोलियम क्रूड है या हाई स्पीड डीजल है या फिर मोटर स्पिरिट है यानी कि पेट्रोल है, नेचुरल गैस है या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल है तो भी आपको ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस रूल को पुराने रूल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किए गए हैं। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज डी ये कहता है कि यदि आप उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जिनको कोई शेड्यूल 3 ऑफ सी जीएसटी एक्ट में कोई सप्लाई नहीं माना गया है तो उस केस में भी आपको ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस क्लोज को पुराने रूल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किए गए। जिन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को ना तो सप्लाई ऑफ गुड माना गया है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है वो शेड्यूल 3 में दी गई हैं सीजीएसटी 2017 के, जिन्हें कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज एच यह कहता है कि यदि गुड्स को कस्टम बॉन्ड के अंडर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो कंटेनर फ्रेट स्टेशन से किसी भी कस्टम पोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या फिर लैंड कस्टम स्टेशन पर या फिर वन कस्टम स्टेशन से कस्टम पोर्ट से किसी दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट पर तो भी आपको ईवे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है।
या फिर यदि कस्टम की सुपरविजन या कस्टम सील्स के अंदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो भी आपको ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पुराने रूल से कंपेयर करें तो यह जो एग्जम्पशन एंट्री है ये पुराने रूल में नहीं दी गई थी, ये जो नया रूल है इसके अंदर ये एग्जम्पशन एंट्री दी गई है कि आपको ई वे बिल को इस केस में जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज आई यह कहता है कि यदि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं वे ट्रांजिट कार्गो हैं और नेपाल और भूटान को ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं या फिर नेपाल और भूटान से ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो भी आपको ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वर्ड फ्रॉम और टू दोनों ही यूज़ किए गए हैं, तो भले ही गुड जो है नेपाल और भूटान जा रही हो या फिर नेपाल और भूटान से इंडिया में आ रही हो ये एग्जम्पशन आपको अप्लाई होगी। यदि हम इसे पुराने रूल से कंपेयर करें तो ये एग्जम्पशन एंट्री ओल्ड रूल में नहीं दी गई थी। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज जे यह कहता है कि यदि आप उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि एग्जम्प्ट की गई हैं अंडर नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 26/2017 सेंट्रल टैक्स रेट तो भी आपको ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ये नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 देखते हैं तो वह यह कहता है कि यदि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यूनिट रन कैंटीन में कोई सप्लाई करता है या फिर ऑथराइज कस्टमर्स को कोई सप्लाई करता है तो उस केस में CGST से एग्जम्पशन दी गई है। इसी प्रकार इस केस में ई वे बिल को भी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम नोटिफिकेशन नंबर 26/2017 सेंट्रल टैक्स रेट देखते हैं तो वह यह कहता है कि हैवी वाटर और न्यूक्लियर फ्यूल यदि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सप्लाई करता है तो वहाँ पे एग्जम्पशन दी गई है इंटरस्टेट सप्लाई में, वहाँ पे भी ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम इस एग्जम्पशन एंट्री को ओल्ड रूल से कंपेयर करें तो वहाँ पे ये एग्जम्पशन एंट्री नहीं दी गई थी। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज के यह कहता है कि यदि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कंसाइनर या कंसाइनी के तौर पर डिफेंस फॉर्मेशन के मकसद से गुड्स की मूवमेंट की जाती है तो भी ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसे पुराने रूल से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये एग्जम्पशन एंट्री नहीं दी गई थी। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज एल यह कहता है कि यदि कंसाइनर ऑफ गुड्स के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी गुड्स को रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है तो उसको ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एग्जम्पशन एंट्री पुराने रूल में नहीं दी गई थी। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज एम यह कहता है कि यदि एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो भी ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यह एंट्री भी पुराने रूल 138 सब रूल 14 में नहीं दी गई थी। रूल 138 सब रूल 14 क्लोज एन यह कहता है कि यदि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है 20 किलोमीटर के अंदर कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से वे ब्रिज तक वेमैन के लिए या फिर वे ब्रिज से बैक टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर तो उस केस में भी ई वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि आप गुड्स को मूव कर रहे हैं तो डिलीवरी चलान का होना ज़रूरी है। यदि हम इसे पुरानी एंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये एग्जम्पशन नहीं दी गई थी ओल्ड रूल 138 सब रूल 14 में। यदि हम नए रूल 138 CGST रूल्स को देखते हैं तो वहाँ पे एंड में एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि यह कहती है कि ई वे बिल की जनरेशन कैंसलेशन अपडेशन और असाइनमेंट के लिए SMS भेजा जाएगा सप्लायर को रिसिपियंट को और ट्रांसपोर्टर को। लेकिन यदि हम ओल्ड रूल देखते हैं तो वहाँ पे लिखा गया था कि सिर्फ जनरेशन और कैंसलेशन के केस में ही SMS भेजा जाएगा। यदि हम ओल्ड रूल 138 देखते हैं तो वहाँ पे ई वे बिल का फॉर्मेट दिया गया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह न्यू बिल का फॉर्मेट यानी कि न्यू रूल 138 के अंदर जो ई वे बिल का फॉर्मेट दिया गया है।
यदि हम नए ईवे बिल फॉर्मेट को ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं तो हमें देखते हैं कि पार्ट ए में जो 8.2 दिया गया है प्लेस ऑफ डिस्पैच, ये ओल्ड रूल में नहीं दिया गया था। इसी प्रकार ही जो पार्ट बी में 2.2 दिया गया है, ओल्ड रूल में यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर दिया गया था, लेकिन अब नए रूल में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर के अलावा आप डिफेंस व्हीकल नंबर, टेम्प्रेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, नेपाल और भूटान व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी भर सकते हैं। ईवे बिल फॉर्मेट में यदि सप्लायर और रिसिपियंट रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर या फिर जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपियंट में यूआरपी एंटर करेंगे, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। प्लेस ऑफ डिस्पैच में आप पिन कोड को एंटर करेंगे, प्लेस ऑफ डिस्पैच का जो पिन कोड होगा उसे। प्लेस ऑफ डिलीवरी में आप पिन कोड को एंटर करेंगे, प्लेस ऑफ डिलीवरी के। डॉक्यूमेंट नंबर में आप टैक्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई का, डिलीवरी चालान का और बिल ऑफ एंट्री का। एचएसएन कोड में यदि आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज तक है तो आपको 2 डिजिट लेवल तक एचएसएन कोड एंटर करना है। यदि आपकी एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है तो आपको 4 डिजिट लेवल तक एचएसएन कोड को एंटर करना है। रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन में आप कोड एंटर करते हैं 1 to 0, यानी कि सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो वर्क, सेमी नॉक डाउन कंडीशन और कम्प्लीटली नॉक डाउन कंडीशन, रिसिपियंट नॉट नोन, लाइन सेल्स, सेल्स रिटर्न, एग्जीबिशन और फेयर्स फॉर ऑन यूज एंड अदर्स। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर आप गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, फॉरवर्डिंग नोट नंबर, पार्सल वे बिल नंबर इशूड बाय रेलवे, एयरवे बिल नंबर या बिल ऑफ लेडिंग नंबर एंटर कर सकते हैं। यदि हम ओल्ड रूल 138 को देखते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब बताया गया था, यानी कि गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर एंड बिल ऑफ लेडिंग। लेकिन जो अब नए रूल इशू किए गए हैं वहाँ पे आप फॉरवर्डिंग नोट नंबर, पार्सल वे बिल नंबर इशूड बाय रेलवे, इसे भी मेंशन कर सकते हैं। यदि हम न्यू रूल 138 को देखते हैं तो कंसोलिडेटेड ईवे बिल के लिए फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म जीएसटी EWB02, जहाँ पे एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर मेंशन करने हैं, कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर डेट मेंशन करनी है, जनरेटर मेंशन करना है, व्हीकल नंबर मेंशन करना है, नंबर ऑफ ईवे बिल्स और ईवे बिल नंबर्स मेंशन करने हैं। यदि हम इस फॉर्मेट को पुराने रूल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो फर्दर अमेंडमेंट हुई है ईवे बिल रूल में, रूल 138 रूल 138D, वो हम अपने नेक्स्ट जीएसटी न्यूज़ में डिस्कस करेंगे पार्ट 185 में। आप CGST 2017 को डाउनलोड कर सकते हैं। यह रूल 7 मार्च 2018 तक अपडेट किए गए हैं। इनका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज कर दी गई हैं, जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर वे नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।